तो गैस कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आप कौन सा डिवाइस यूज़ करना चाहते हो, लो एंड डिवाइस, मिड रेंज डिवाइस या फिर एक्सपेंसिव डिवाइसेस। तो तीनों में तो वोट बराबर आए, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम लोगों को कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए। जो पुराना फ्लैगशिप है जब उसका प्राइस ड्रॉप होता है तब, या फिर एक नया मिड रेंज डिवाइस जो उसी प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। अगर आप लोग पुराना फ्लैगशिप फ़ोन देखते हो या फिर पुराना कोई फ्लैगशिप आईपैड हो गया या फिर आईफोन ही ले लो, तब लोग को 40,000 में भी देखने को मिलता है, 30,000, 20,000, 15,000, हर एक बजट में आप लोगों को पुराने जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है वो देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को एक नया मिड रेंज डिवाइस लेना चाहिए या फिर पुराना फ्लैगशिप, और ये वाला वीडियो को हम लोग टोटल दो पार्ट में रखते हैं। फर्स्ट, फ्लैगशिप फ़ोन क्यों बेटर होता है मिड रेंज से। सेकंड, इसका एग्जैक्टली उल्टा कि मिड रेंज फ़ोन क्यों बेटर होता है कोई से भी फ्लैगशिप फ़ोन से। तो अभी चलो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, फ्लैगशिप एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे हर कोई ब्रांड चाहता है कि उस डिवाइस को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हार्डवेयर के साथ साथ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी देखने को मिले, जिसके वजह से वो जो फ़ोन होता है वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर भी आ जाता है। जैसे कि सैमसंग या फिर एप्पल का जो फ्लैगशिप होता है उसका प्राइस 1 से 1.5 लाख के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन दूसरे तरफ वन प्लस, वीवो, ये सब फ़ोन 50,000 से 60,000 के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन दोनों फ्लैगशिप के अंदर ही अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो सेम क्वालिटी का ही जो लेटेस्ट इस साल का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 888 वही सब देखने को मिलता है, और उसके अंदर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रहता है जो एंड्रॉयड वर्जन होता है वो बिल्कुल भी लेटेस्ट दिया जाता है, और उसके अंदर अगर कोई से भी बग्स वगैरह आता है तो इतना फ्रिक्वेंट उसके अंदर अपडेट पुश किया जाता है जिसके वजह से वो डिवाइस कोई से भी दिक्कत फेस नहीं करता। क्योंकि अगर फ्लैगशिप फ़ोन दिक्कत फेस करता है तो कोई से भी ब्रांड का जो इमेज होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और फ्लैगशिप के अंदर जो कैमरा होता है वो कोई से भी ब्रांड चाहता है अपना बेस्ट कैमरा का जो क्वालिटी है उसको देने के लिए। आप लोग सैमसंग और एप्पल का देख लो, दोनों का जो R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपना जो कैमरा क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो कोई से भी नॉर्मल जो फ्लैगशिप फ़ोन होता है वो हर एक मामले में कोई से भी मिड रेंज डिवाइसेस से बेटर होता है, भले ही उसका प्रोसेसर ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो या फिर कैमरा ही ले लो, हर एक जगह पे एक मिड रेंज डिवाइस को बीट कर देगा। लेकिन स्टिल मिड रेंज डिवाइसेस क्यों इतना अच्छा होता है कोई से भी फ्लैगशिप से, अभी आ जाता है हम लोगों का सेकेंड पॉइंट। पहले का जो मिड रेंज का ज़माना था जिसमें बहुत ही गंदा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी देखने को मिलता था, इतना अच्छा नहीं होता था, वो ज़माना अभी जा चुका है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिड रेंज डिवाइसेस भी देखने को मिलता है जो फ्लैगशिप लेवल फ़ोन को भी टक्कर दे पाता है। और कोई सा भी स्मार्टफोन ब्रांड जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होता है उसके अंदर जो लेटेस्ट प्रोसेसर होता है वो देता है, और जब वही प्रोसेसर 1-2 साल पुराना हो जाता है तब वही प्रोसेसर को हम लोग को जो मिड रेंज डिवाइसेस होता है उसके अंदर दे देते हैं। इसके वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा कम जाता है और स्मार्टफोन ब्रांड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। और मिड रेंज डिवाइस में अगर हाई स्पेक्स देखने को मिले तो वो डिवाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट करने लगता है, जैसे कि पोको X3 प्रो का जो हाइप बना था क्योंकि 20,000 के बजट में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गेमिंग फ़ोन था वो, क्योंकि उसके अंदर स्नैपड्रैगन का बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। तो अभी हम लोग बात करते हैं जो सबसे मेन क्वेश्चन है, तो हम लोग को मिड रेंज डिवाइस परचेस करना चाहिए या फिर जो पुराना हो जाता है कोई सभी फ्लैगशिप फ़ोन उसको परचेस करना चाहिए। क्योंकि जो फ्लैगशिप फ़ोन पुराना हो जाता है तो उसका प्राइस ड्रॉप बहुत ही गंदा तरीके से होता है, लेकिन जो स्पेक्स होता है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर मेरे ओपिनियन में आप लोग पूछते हो तो मैं हमेशा कोई सभी पुराना जो फ्लैगशिप फ़ोन होता है उसके ही परचेस करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि iOS डिवाइस में जो पुराना फ्लैगशिप होता है वो अलग तरीके से काम करता है, और एंड्रॉयड में भी अलग तरीके से,
क्योंकि एप्पल का जो बिल्ट क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी के टाइम में आईफोन 11 जो ऑलरेडी 2 साल पुराना है वो डिवाइस आप लोग परचेस कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड में अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स 1 साल पुराना तक ही जाना, उसके बाद मत जाना, क्योंकि 3-4 साल पुराना iOS डिवाइस में हम लोग को सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलता है और डिवाइस स्लो भी नहीं होता। और दूसरे तरफ कोई से भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर 2-3 साल बाद सॉफ्टवेयर अपडेट इतना फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो लैग होता है वो अलग लेवल का बढ़ जाता है। और आप लोगों को क्या लगता है इस मैच में चिकन डिनर होगा? तो वीडियो को आगे तक देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो का बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले, मेरा वॉइस ओवर या फिर इस वीडियो का टॉपिक, अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बहुत सारे व्यूज तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो और मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हो तो राइट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो iPad Mini 6 का बूट कैंप टेस्ट वाला वीडियो, और लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक करके आप लोग देख सकते हो Poco X3 Pro वर्सेस iPad Mini 6 ये वाला वीडियो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।